राजनाथ सिंह ने दिया बड़ा बयान, कहा सावरकर ने गांधी के कहने पर दी थी दया याचिका, महान स्वतंत्रता सेनानी थे सावरकर। देश में फिर बढ़े कोरोना के मामले, 24 घंटे में मिले कोरोना के 15,823 नए केस, 226 की गई जान। दिल्ली में बढ़ती महंगाई ने तोड़ी कमर, 13 दिनों में दूसरी बार बढ़े सीएनजी और पीएनजी के दाम। आर्यन खान की जमानत अर्जी पर आज होगी सुनवाई, आर्यन को आज मिल सकती है बेल, सतीश मान शिंदे और उनकी टीम कोर्ट में रहेगी मौजूद। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। रक्षा मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने वीर सावरकर को लेकर बड़ा बयान दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि विचारधारा के चश्मे से देखकर वीर सावरकर के योगदान की उपेक्षा करना और उन्हें अपमानित करना क्षमा योग्य और न्याय संगत नहीं है। राजनाथ सिंह ने दावा किया कि सावरकर ने महात्मा गांधी के कहने पर अंग्रेजों को दया याचिका दी थी। राजनाथ सिंह ने उदय महाकर और चिरायु पंडित की पुस्तक वीर सावरकर हु कुंड हैव प्रिवेंटेड पॉजिटेशन के विमोचन कार्यक्रम में ये बात कही और इसमें सर संचालक मोहन भागवत ने भी हिस्सा लिया था। आपको बता दें, राजनाथ सिंह ने कहा कि एक खास विचारधारा से प्रभावित तबका वीर सावरकर के जीवन और विचारधारा से उपरिचित है और इन्हें इसकी सही समझ नहीं है। वो सवाल उठाते रहे और राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे राष्ट्र न्यायकों की व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में प्रतिवाद हो सकते हैं, लेकिन उन्हें ये दृष्टि से देखना चाहिए कि किस तरह से उचित और न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता है। वीर सावरकर महान स्वतंत्रता सेनानी थे, ऐसे में विचारधारा के चश्मे से देखकर उनके योगदान की अनदेखी करना और उनका अपमान करना क्षमा योग्य नहीं है। उदय माहोकर जी को जो हम केवल एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जानते थे, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जानते थे, प्रतिभाशाली लेखक के रूप में जानते थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये पुस्तक लिखी है, मैं कह सकता हूं वेल रिसर्च्ड ये पुस्तक माहोरकर जी ने लिखी है, तो मैं समझता हूं कि शायद इसके बाद लोग आपको एक प्रामाणिक इतिहासकार के रूप में जानेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। वीर सावरकर जी जैसे राष्ट्रनायक के बारे में पढ़ना, समझना और लिखना कोई यह आसान बात नहीं है। वीर सावरकर के जीवन के इतने आयाम हैं, उसे एक किताब में समाहित करना ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है, ऐसा मैं मानता हूँ। पर माहोरकर जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ, चुराई पंडित जी को, इनको भी, कि दोनों ने न सिर्फ इस काम को सफलतापूर्वक पूरा किया है बल्कि एक ऐसी किताब उन्होंने लिखी है जो सावरकर के जीवन से जुड़ी भ्रांतियों को न सिर्फ दूर करेगी बल्कि उसे सही रूप में प्रस्तुत करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगी। पाकिस्तानी हैकरों ने मुंबई के ईस्ट साइबर डिवीजन की ईमेल आईडी हैक कर ली है। आपको बता दें कि हैक करने के बाद डेटा चोरी करने की कोशिश की गई और इस ईमेल आईडी से बाकी पुलिस वालों को फिशिंग मेल भेजे जा रहे हैं। इसके जरिए डेटा चोरी की कोशिश की गई और इस हैकिंग के बाद महाराष्ट्र साइबर विभाग ने राज्य के सभी पुलिस आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में इस तरह के ईमेल नहीं खोलने का निर्देश दिया है। दरअसल पाकिस्तानी हैकर ईमेल में एक सीक्रेट पीडीएफ रिपोर्ट फाइल करते भेजते थे और इस फाइल को डाउनलोड करते ही डेटा चोरी हो जाता है। महाराष्ट्र साइबर विभाग ने राज्य के सभी पुलिस आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को इस तरह के ईमेल नहीं खोलने का निर्देश दिया है। साइबर पुलिस अधीक्षक संजय शिंत्रे ने ये निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में कहा गया है कि सभी पुलिस आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को आगाह किया जाता है कि वो इस तरह के कोई भी ईमेल ना खोलें।
तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र साइबर विभाग ने इस पूरे मामले की जांच अब चल रही है, और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इसमें किसी व्यक्ति के नाम का उपयोग करके ईमेल भेजना भी शामिल है, लेकिन ये ईमेल वास्तव में उस व्यक्ति द्वारा नहीं भेजा जाता, तो ऐसे में ये डेटा चोरी करने के लिए मेल भेजा जा रहा है अब। लेकिन महाराष्ट्र साइबर विभाग इस पूरे मामले की जाँच कर रहा है। पाकिस्तानी हैकरों ने ये साइबर सेल की ईमेल आईडी को हैक कर लिया है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आज एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ कुंडला इलाके के नेहरू नगर में एक आवासीय सोसाइटी में सुबह करीब 20 मोटरसाइकिलों में भीषण आग लग गई। ये सभी मोटरसाइकिल पार्किंग में खड़ी थी और आग से सभी मोटरसाइकिल जलकर खाक हो गई हैं। बताया जा रहा है कि आग को दमकल विभाग के कर्मियों ने बुझा दिया है। हालांकि ये आग किस वजह से लगी इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। वहीं आगरा के थाना हरी पर्वत क्षेत्र के वाटर वर्कर्स स्थित केमिकल के गोदाम में भी सुबह आग लग गई। ऐसे में केमिकल के गोदाम में लगी आग की लपटें आसमान छू रही थी। आपको बता दें कि काले धुएं का गुब्बार भी दिखाई दे रहा था। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम किया गया, लेकिन आग पर काबू दो गाड़ियों ने नहीं पाया। वहीं तुरंत मौके पर चार गाड़ियों को और बुलाया गया। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक आगरा की और एक महाराष्ट्र की, जहां पर दोनों जगह पर ये आग लगने की घटना सामने आई है। महाराष्ट्र की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर 20 मोटरसाइकिलों में आग लग गई है, जबकि आगरा में ये आग कितनी भीषण थी ये आप देख सकते हैं। और ऐसे में आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां मौके पर पहुंची आगरा में, उसके बाद आग बुझाने का काम किया गया, लेकिन आग पर काबू दो गाड़ियों ने नहीं पाया, जिसके बाद मौके पर चार गाड़ियों को तुरंत बुलाया गया और करीब आधा दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फिलहाल आग को बुझा दिया गया है, लेकिन इस आग में कितने का नुकसान हुआ है फैक्ट्री संचालक को इसका भी पता नहीं चल पाया है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के नए मामलों में एक बार फिर से गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन आज कल के मुकाबले मामले एक बार फिर से बढ़ गए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 15,823 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 226 लोगों की जान चली गई है। ऐसे में कल देश में 14,313 मामले दर्ज हुए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 22,844 लोग कोरोना मुक्त हुए हैं, जिसके बाद एक्टिव केस घटकर 2,07,653 हो गए हैं। ऐसे में देश में अब तक 3,33,42,901 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। देश में अब तक कोरोना से 4,51,189 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कल कोरोना वायरस वैक्सीन की 50,63,845 डोज दी गई, जिसके बाद वैक्सीन की डोज का आंकड़ा बढ़कर अब 96 करोड़ के पार हो चुका है। वहीं ICMR ने बताया है कि 11 अक्टूबर 2021 कोरोना वायरस के लिए 58 करोड़ से ज्यादा सैंपलों की जांच की गई। इनमें से कल 13,25,000 नमूनों का परीक्षण भी किया गया। कानपुर के गोविंद नगर विधानसभा से बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी ने समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा पर टिप्पणी करते हुए अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया है। सुरेंद्र मैथानी ने अपने बयान में जनता की मंशा का हवाला देते हुए कहा कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा है। आपको बताते चलें कि अखिलेश यादव जब यूपी के सीएम थे उस समय उत्तर प्रदेश सहित कानपुर के कैसे हालात थे उसका जिक्र करते हुए ये टिप्पणी की गई है। देखिए अखिलेश जी अपनी यात्रा निकाले, इस पे किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। चुनाव का वर्ष है, ये काम वो अब कोरोना में कोई भी सेवा ना देने के बाद अब यात्रा निकालना ये उनका अपना काम है, इस पे हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन कानपुर के लिए विकास की बात को कहना ये झूठ का बड़ा पुलिंदा है।
ध्यान है हम सब लोगों को, कनपुरियों को, कि 3555 करोड़ रुपए की मेट्रो की योजना की गारंटी, बैंक गारंटी हमारी शहरी विकास मंत्रालय ने लिया हुआ था और उस पर इन्होंने एक फर्जी शिलान्यास मेट्रो को लेकर कर दिया, पर कोई उत्तर प्रदेश सरकार का बजट नहीं दिया। नेट पर है ये, जब योगी सरकार आई है उसने मेट्रो को पैसा दिया और तब कानपुर में ये मेट्रो बननी प्रारंभ हुई है। गुंडागर्दी की बात, स्कूटर पर डिग्गी के अंदर पैसे गायब हो जाना, सरेआम गायब हो जाना, बैंक रॉबरी होना, चेन स्नेचिंग होना, सपा के गुंडों का थाने में जाकर के उपद्रव करना, पुलिस वालों को मारना, एक विधायक के कानपुर के सगे भाई के द्वारा पुलिस के एक दरोगा को जूते से सरेआम मारना, ये समाचार पत्रों में आया। पीलीभीत में जिलाधिकारी पुलकित खरे ने शहर की नवीन मंडी समिति का औचक निरीक्षण किया, जहां किसानों के धान की तौल और धान की बिक्री का लेखा जोखा चेक किया गया। इसके अलावा किसानों को अपना धान सेंटरों पर लाने और तुलवाने में किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी ना हो, इसकी भी जानकारी दी गई। आपको बता दें कि शासन की मंशा के अनुरूप अब किसानों को अपना धान मंडी में लाने के पहले ऑनलाइन बुकिंग करानी पड़ रही है, ताकि बीच के सभी दलाल इसमें हावी ना हो और किसान को सीधा इसका फायदा पहुंचे। वहीं किसान अब घर बैठकर अपनी फसल को ऑनलाइन बुक करता है और उसको एक तारीख के आधार पर टोकन मिल जाता है। वहीं किसान अपना धान ट्रॉली में लादकर मंडी आता है और ना ही उसको घंटों लाइन में लगना पड़ता है और ना ही कोई और परेशानी का सामना करना पड़ता है, और आसानी से किसान अपने धान की तुलाई कराकर, अपने धान की जांच कराकर उसको मंडी में बेच देता है। इसी को लेकर जिलाधिकारी पुलकित खरे ने मंडी समिति पहुंचकर जांच पड़ताल की और किसानों से बातचीत की, साथ ही जाना कि किसानों को किस तरह की कोई परेशानी तो नहीं है। इसके अलावा जिलाधिकारी ने खुद बैठ कर किसान के धान को देखा और उसकी जांच भी कराई। में धान क्रय जो हो रहा है उसका औचक निरीक्षण करा गया। मैंने 2 चबूतरों पे 8 क्रय केंद्रों का निरीक्षण करा गया। यहाँ केंद्र प्रभारियों से बात करी गई, जिन किसान भाइयों ने बुकिंग करा रखी थी, जिनके टोकन कटे हुए थे आज के, वो यहाँ मौजूद थे। मैंने उनसे भी बात करी और अधिकतर किसान भाई जो हमारे यहाँ मौजूद थे वो सभी इस व्यवस्था से बड़े खुश थे, क्योंकि उन्होंने घर बैठे टोकन कराया और समय से वो अपनी गाड़ी लेके अपने निर्धारित दिन पे निर्धारित केंद्र पर आए। उनको लाइन में नहीं लगना पड़ा, अनावश्यक परेशान नहीं होना पड़ा। यहाँ पे लाके जिनका नमी है मानक के अनुसार थी, जिनकी ग्रेडिंग मानक के अनुसार थी, उनकी तौल हो रही थी। कई किसान भाइयों से बात करी, इनके जो ग्रेडिंग के मानक हैं वो भी देखे, कुछ की नमी भी मैंने चेक कराई स्वयं। तो इस तरह से पूरी व्यवस्था देखी है। सभी केंद्र प्रभारियों को निर्देश दिए गए, मजिस्ट्रेट्स को निर्देश दिए गए कि समय से केंद्र खुलें और जो शासन की मंशा है, जो क्रय नीति है, उसके अनुसार खरीद करी जाए। कोई परेशानी नहीं सर। किस तरीके से आपने अपना धान यहाँ पर लेकर क्या कैसी जानकारी? पहले ऑनलाइन बुकिंग की थी, टोकन लगा था, 12 तारीख का टोकन था, आज फिर ट्रॉली लेके आए हैं। तो कितने समय में आपका धान तुल गया यहाँ पे? सुबह 7 बजे आए थे, अब तोल हो रही है। तोल हो रही है लगभग 12 बजे तक। ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा? नहीं नहीं। आप जिस तरीके से सरकार दावे कर रही, वादे कर रही है, अपना खड़े उतरे? हाँ जी हाँ जी। मतलब किसी तरीके की परेशानी कोई नहीं है? परेशानी कोई नहीं है, बस यही दिक्कत है 50 क्विंटल जो है टोकन छोटा लग रहा है। टोकन कम का लग रहा है, कम का लग रहा। ट्रॉली में आता कम से कम 60-70 क्विंटल आता है। आपने भी एजेंट साहब को बताया? जी नहीं बताया। योगी सरकार के राम राज्य में अब महिलाओं को इंसाफ मिलना मुश्किल हो गया है। दबंगों से परेशान होकर दलित महिला इंसाफ के लिए दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं। पूरा मामला मऊ के सराय खंसी थाना क्षेत्र के अलीगढ़ गांव का है, जहां पर एक दलित महिला दबंगों से परेशान होकर न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। बावजूद इसके दलित महिला को न्याय नहीं मिल पा रहा है। वहीं कांग्रेस के अनुसूचित विभाग के जिला अध्यक्ष विनय कुमार गौतम ने दलित महिला को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। ऐसे में पुलिस अधीक्षक ने न्याय की गुहार भी लगाई है। वहीं मीडिया कर्मियों से बात करते हुए दलित महिलाओं ने कहा कि हमारे गांव में आपसे विवाद में दबंगों की तरफ से हमें जमकर पीटा गया है, जिसके बाद हमें चोटें भी आई हैं और हमारा मेडिकल भी हुआ है। बावजूद इसके थाने में हमारी FIR नहीं लिखी जा रही है। FIR दर्ज कराने के लिए हम लगातार थाने का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन थाने के मुंशी सहित अन्य पुलिस कर्मियों की तरफ से हमें आश्वासन देकर भगा दिया जा रहा है और हमारी सुनवाई भी नहीं हो पा रही है। हमें दोपहर से थाने में बैठा कर रखा गया, लेकिन FIR दर्ज नहीं की गई। यहाँ पे क्या करने आई है? रिपोर्ट लिखा। कैसी रिपोर्ट? मरले आलो जमीन के विषय में, मतलब 2 रुपया के
ये प्रदेश की योगी सरकार में दलितों के ऊपर अत्याचार आए दिन हो रहे हैं। ये दलित समाज के लोग हैं, ये दलित महिला हैं। ये दलित महिला 8 तारीख को माननीय कप्तान साहब के यहाँ अपना गुहार लगाई कि हमको मारने और पीटने की धमकी दिया जा रहा है गांव के दबंगों द्वारा। इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया और 3 दिन बाद दबंगों ने इनको बुरी तरह से मार पीट कर घायल कर दिया। ये प्रार्थना पत्र लेकर गई थाना सरालखनसी में। थाने के मुंशी सानू पांडे और उस समय थाने के प्रभारी पन्ना लाल जी थे, उन्होंने आनाकानी करते हुए ये महिला 11 बजे दिन से रात 10 बजे तक बैठी रही, लेकिन इनकी FIR दर्ज नहीं हुई। इसके बावजूद हम एक दिन बाद आज सुबह इस महिला को फिर माननीय कप्तान महोदय के यहाँ लेकर के आए हैं। चल रहे DCA मैच में करीम चिश्ती ने 8 विकेट से मुकाबला जीत लिया है। आपको बता दें कि बहराइच के इंदिरा स्पोर्ट स्टेडियम में जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कई टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें से अंजिता क्रिकेट क्लब बहराइच और करीम चिश्ती क्रिकेट क्लब बहराइच के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया। आपको बता दें कि निर्धारित 35 ओवर में अंजिता की टीम ने 149 रन बनाए, जिसके जवाब में उतरी करीम चिश्ती की टीम ने इस मुकाबले को 8 विकेट से जीत लिया। मुकाबले के अंत में सभी खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया गया, जिसमें मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द टूर्नामेंट और बैट्समैन का खिताब अनादि प्रताप सिंह के नाम रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख हुजूरपुर अजीत प्रताप सिंह, नगर पालिका परिषद बहराइच चेयरमैन प्रतिनिधि हाजी रेहान, जिला क्रीड़ा अधिकारी ने टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया। वहीं अपने संबोधन में ब्लॉक प्रमुख हुजूरपुर अजीत प्रताप सिंह ने कहा कि खेल में हार जीत के नेतृत्व से ज़्यादा संघर्ष का महत्व होता है। क्रिकेट के खेल में धैर्य रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। हार जीत से अपनी कमियों को परखना बेहतर होता है। जिसने बेहतर प्रदर्शन किया उसने मुकाबले को जीता है, इसीलिए अपनी कमियों को सुधार कर खिलाड़ियों को निरंतर अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। वहीं जिला क्रीड़ा अधिकारी ने कहा कि किसी भी खिलाड़ी को अगर किसी फॉर्मेट में चयनित होना है तो उसकी पहली सीढ़ी DCA होती है, और इसीलिए इस प्रकार के क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन से खिलाड़ियों को नई दिशा मिलती है। तो आपको बता दें करीम चिश्ती ने फाइनल मुकाबला जीता है, और ऐसे में ये टूर्नामेंट खेला गया जिसमें काफ़ी खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। 2 टीमों में ये टूर्नामेंट हुआ, जिसके बाद मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी दिया गया। साथ ही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर ब्लॉक प्रमुख हुजूरपुर अजीत प्रताप सिंह वहाँ पहुँचे, जिन्होंने बच्चों को वहाँ पर काफ़ी प्रेरित भी किया। तो आपको बता दें कि उन्होंने मुख्य अतिथि के तौर पर उन्होंने कहा कि निरंतर अच्छा प्रयास भी करना चाहिए और अच्छा प्रदर्शन भी करना चाहिए। वहीं जिला क्रीड़ा अधिकारी ने कहा कि किसी भी खिलाड़ी को अगर किसी फॉर्मेट में चयनित होना होता है तो उसकी पहली सीढ़ी DCA ही होती है, इसीलिए किसी भी प्रकार के टूर्नामेंट में खेलने के लिए अपने आप को उसी तरह से तैयार करना चाहिए, जिससे कि आप आगे आने वाले मैचों को और आसानी से जीत सकें। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस टूर्नामेंट में मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी दिया गया, और साथ ही ये आपको बता दें कि बहराइच के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम में ये मैच चला, जिसमें करीम चिश्ती ने 8 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया। साथ ही बहराइच के इंदिरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का ये आयोजन किया गया था, जिसमें टीमों ने हिस्सा लिया और अजंता क्रिकेट क्लब बहराइच और करीम चिश्ती क्रिकेट क्लब बहराइच के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया। साथ ही निर्धारित 35 ओवर में अजंता की टीम ने 149 रन बनाए, जिसके जवाब में उतरी करीम चिश्ती की टीम ने इस मुकाबले को 8 विकेट से जीतकर इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया।
इस वक्त है उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में, जहाँ पर आज एक टूर्नामेंट खेला जा रहा था। इस टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज आदि प्रताप सिंह रहे हैं, जो एक छोटे जनपद से बिलोंग करते हैं और अपनी कोचिंग को, अपने रूप, अपने खेल को और प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए ये गुजरात में भी क्रिकेट सीखते हैं, जहां से वो ABCD सीख रहे हैं। जहां पर अभी इन्होंने बताया कि कुणाल पांड्या और हार्दिक पांड्या भी कभी कभी उस वहां पर आते रहते हैं, किरण मौर्य की कोचिंग में खेलते हैं। हम उन्हीं से जानेंगे आदि से ही कि इस छोटे से जनपद में अभी और भी क्या कमियाँ हैं कि जिन्हें सुधार किया जा सकता है, और किस प्रकार से उन्होंने खेल में निखार उत्पन्न किया जिसे आज वो मैन ऑफ द सीरीज हुआ। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से तो उसने खेल को बहुत प्रोत्साहन दिया है। हमारे क्रीडा अधिकारी महोदय जानते होंगे ओलंपिक पोडियम स्कीम है, जिसने जिसकी बदौलत ही ओलंपिक में भारत को इतने पदक मिले हैं। और यहाँ पर भी हमारे क्रिकेट एसोसिएशन बहुत अच्छा काम कर रही है। 2021 चूँकि कोविड वाला ईयर था इसलिए मैचेस नहीं हो पाए थे, फिर भी इशरत महमूद साहब ने यहाँ पर ये टूर्नामेंट आयोजित कराया और बहुत ही अच्छी तरह से कराया, और नए नए बच्चों को, नए नौजवान लड़कों को, सबको खेलने का मौका मिला। बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट रहा। और इस स्टेडियम में भी हमारे क्रीड़ा अधिकारी महोदय से मैं भी बात कर रहा था कि आप चाहे सुबह आके देखिए चाहे शाम को देखिए, पूरा स्टेडियम खचाखच भरा रहता है। यहाँ पर तीरंदाजी के कोच हैं, बॉक्सिंग के कोच हैं, क्रिकेट के कोच हैं, हॉकी के कोच हैं, तो खेल पर काम हो रहा है, प्रोत्साहन दिया जा रहा है। खेली जा रही थी जो कि IPL की तर्ज पे ही ये जनपद बहराइच में खेला जा रहा है, और जावेद जी और इसार जी जो इसके ऑर्गेनाइज़र हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, और इससे नए खिलाड़ियों को काफ़ी मदद मिलेगी। थैंक यू। डिसिप्लिन की कमी है, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना आगे जाएंगे सब लोग। आगे जाना आसान है, मेहनत जितना करेंगे वो लोग ज़्यादा अच्छे से आगे जाएंगे। और यहाँ पे बस थोड़ा विकेट की कमी ही है, टर्फ विकेट की बहराइच में छोटा, उसकी वजह से बस यही चाहता हूँ मैं। किस प्रकार से महसूस करते हैं कि ये जनपद तराई का बेल्ट है और काफ़ी पिछड़ा है, और आप भी यहाँ पर पैदा हुए, उसके बाद पढ़ाई कहीं कुछ हुई, उसके बाद बाहर गए, फिर आज आप कोचिंग ले रहे हैं बड़ौदा में जी। तो बाहर से वहाँ की कोचिंग, यहाँ की कोचिंग में क्या अंतर जी? वहाँ बहुत यही डिफरेंस है कि डिसिप्लिन बहुत अच्छा है वहाँ का, और कायदे से सब लोग वहाँ खेलते हैं, और विकेट और ग्राउंड वहाँ पे बेटर है काफ़ी यहाँ से। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गति शक्ति योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं, और ऐसे में प्रगति मैदान में दिल्ली में ये कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में उनका संबोधन भी शुरू होने जा रहा है। तो सीधे आपको प्रगति मैदान ले चलते हैं जहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है। लगातार महसूस की जा रही थी जरूरत, देश की राजधानी बने देशवासियों की आकांक्षाओं, देश के संकल्प